हाय, क्या आप वरीड हैं कि 3 से 4 दिन हो गए हैं और आपका अमाउंट अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है? जनरली अलॉटमेंट के बाद अमाउंट अनलॉक होने में 3 to 10 days लग जाते हैं। हालांकि ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग का प्रोसेस बैंक और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स देखते हैं और ग्रो ये प्रोसेस हैंडल नहीं करता है। अगर आपका अमाउंट अलॉटमेंट के बाद 10 working days के बाद भी अनब्लॉक नहीं होता है तो प्लीज फिकर ना करें, हमारे पास आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। आप या तो अमाउंट अनब्लॉक करने के लिए बैंक एग्जीक्यूटिव को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या तो IPO रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट यानी कि RTA को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। RTAs सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज होते हैं जो शेयर के एलोकेशन के लिए और IPO में रिफंड्स प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप रिफंड का स्टेटस जानने के लिए RTA को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। RTA की कॉन्टैक्ट डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए फॉलो करिए इन सिंपल स्टेप्स को। सबसे पहले ग्रो ऐप या वेबसाइट पर IPO सेक्शन में जाइए। अब IPO सिलेक्ट करें। टॉप IPO FAQs के लिए स्क्रॉल डाउन करें। अब हु इज द रजिस्ट्रार ऑफ XYZ IPO पर जाएं, जहां आपको RTA की इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट न्यू गूगल टैब ओपन करें और इंफॉर्मेशन एंटर करें। RTA की मेंशन्ड डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करें। बाय।